नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। जेल में बंद महिला कैदियों की प्रतिभा को निखारने के लिए कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने एक पहल की शुरुआत की है। दरअसल जो महिला कैदी जेल में रहते हुए इस्तेमाल करने का सामान तैयार करती है, ऐसी महिला कैदियों के द्वारा तैयार किए गए सामान को बाहरी लोगों तक पहुंचाने के लिए कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा कर कार्य की शुरुआत की है। सामान को लोगों तक पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि जेलों में बंद बंदियों और कैदियों के बच्चों को शिक्षा दिलाना उत्तर प्रदेश सरकार का दायित्व है। हमने बच्चों की पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए बहुत विशेष ध्यान दिया है और बच्चों के खेलने कूदने के लिए चिल्ड्रन पार्क कई जेलों में बन चुके हैं और ये प्रक्रिया आगे चालू है। सभी जेलों में एक शिक्षक हमारा तैनात है बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए। और कोई बच्चा अगर महिला चाहती है कि बच्चा हमारा बाहर जाए तो वो व्यवस्था भी हम समाज सेवियों के माध्यम से करने जा रहे हैं। कांग्रेस की पूर्व लोकसभा प्रत्याशी और प्रदेश प्रवक्ता जॉली शर्मा को पाकिस्तान से ट्विटर पर जान से मारने की धमकी मिली है। शुक्रवार रात 10 बजे राव कासिफ तहसीन नाम की आईडी से उन्हें AK-47 से मारने की धमकी दी गई है। आरोपी ने अपनी आईडी पर पाक के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की फोटो लगाई हुई है। जॉली शर्मा ने SSP, DM, साइबर सेल और लिंक रोड थाने में लिखित शिकायत दी है। 6 जुलाई को गाज़ियाबाद के रहने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के वकील गिरीश जी मुझसे मिलने आए थे, तो उन्हें मैंने पार्टी की सदस्यता दिलाई तो उन्होंने मुझे बुके भेंट किया और बुके भेंट करते वक्त की एक तस्वीर उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट की मुझे टैग करते हुए। और जब हमने देखा तो उस तस्वीर के ऊपर पाकिस्तान कराची के रहने वाले राव काशिफ ने मुझे AK-47 से गोली मारने की धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी। और वो जैसे ही हमारी नज़र पड़ी, मुझे फ़ोन आए कि आपके ट्विटर प्रोफाइल पे इस तरीके की धमकी भरा एक पोस्ट आया है खुले तौर पर पाकिस्तान से, तो हमने तुरंत ही SSP गाज़ियाबाद को जो है कंप्लेंट रजिस्टर कराई। और मैं नहीं जानती मुझे इस तरीके की धमकी क्यों आई, क्या वजह है इसके पीछे कि मुझे वहाँ पाकिस्तान इतनी दूर से धमकी आई, लेकिन मैं पाकिस्तानियों से कह देना चाहती हूँ, हम हिंदुस्तानी हैं, किसी से डरने वाले नहीं हैं। जय हिंद। खबर अयोध्या से है, जहां जिला सहकारी बैंक लिमिटेड फैजाबाद के सभागार कक्ष में कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज यूनियन उत्तर प्रदेश के संबंध भारतीय मजदूर संघ की हाई पावर कमेटी और 16 जिला सहकारी बैंक यूनिट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए सहकारी बैंक कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी ने भाग लिया। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। मांग मेरी 2-3 साल से लगातार चल रही है, मांगे हमारी पूरी नहीं की जा रही है, तो आज की बैठक तो अब निर्णय की बैठक है। आज बैठक में सभी ने निर्णय लिया है कि आंदोलन किया जाएगा। सिर्फ बैठक में भी डेट नहीं डिसाइड हुआ है, अभी भोजनावकाश के बाद डेट फाइनल कर दिया जाएगा। हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने जा रहे हैं, सभी बैंक बंद होंगे। खबर बुलंदशहर से है, जहां के निजी स्कूल से UKG के छात्र का अपहरण करने के बाद छात्र की हत्या कर शव को गंग नहर में फेंक दिया गया। जैसे ही छात्र का शव अलीगढ़ और बुलंदशहर की बॉर्डर सीमा स्थित गंग नहर में मिला, क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। तो वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही और आरोपियों से साठ काट का आरोप लगाया है और जमकर हंगामा किया। घटना को लेकर SSP बुलंदशहर ने बताया कि SP देहात के नेतृत्व में 6 टीमें लगाई गई हैं और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो उधर ग्रामीणों का कहना है कि जब तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक जाम नहीं खुलने दिया जाएगा। हालांकि ग्रामीणों को समझाने में अधिकारी लगे हुए हैं। ये थाना छतरपुर में SR इंटरनेशनल स्कूल नहीं लौटा तो परिवारजनों द्वारा खोजबीन की गई और फिर पुलिस को सूचना दी गई। उसके बाद से हमारी सर्च टीमें खोज रही थी और आज उसकी बॉडी अलीगढ़ नहर में मिली है।
वहाँ पे बच्चे के परिवारजनों साथ पुलिस टीम मौजूद है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। खबर गाजियाबाद से है, जहां थाना कविनगर राजनगर में किराए पर रहने वाले युवक ने खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोस्तों ने उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जिसके बाद परेशान होकर उसने अपने आप को गोली मार ली। तो उधर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की गई। ये शादी में गया था अपने दोस्तों के साथ, वहाँ इससे इसके ज्वेलरी छीन ली, कड़ा अंगूठी सब, गाड़ी छीन ली। ये इतने प्रेशर में टॉर्चर करा, इससे 1.5 लाख रुपए की डिमांड करी, इससे हल्की सी गाड़ी लग गई थी उनकी, जो मुझे अभी इनके दोस्तों ने बताया। ये दोस्त हैं उनके दोनों, और जो तीन नाम है जिनके साथ ये जिन्होंने करा है। आज थाना कविनगर पे सूचना प्राप्त हुई कि राजनगर सेक्टर 10 में एक व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 26 वर्ष है, पेशे से अधिवक्ता है, नाम आशीष त्यागी है। आज उनके परिवार वाले, उनके घर वाले कल अपने गाँव गए हुए थे। आज सुबह जब आए तो दरवाजा बंद था, तो दरवाजे की जाली काट के कुंडी खोल के उन्होंने खोल के देखा तो वो मृत अवस्था में मिले। उनके पास से जो है संभवतः सर पे जो है फायर की इंजरी है, एक पिस्टल मिली है, जो पिस्टल उनके पिता की लाइसेंस्ड वीपन है। FSL की टीम बुला ली गई है, वो अपनी कार्रवाई कर रही है, जो भी अपेक्षित विधि कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। खबर देवरिया से है, जहां की बनगटा पुलिस द्वारा प्रतापपुर के चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग के दौरान लग्जरी वाहनों से कुल 9 लाख रुपए की अवैध देसी शराब बरामद की गई है। साथ ही 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जिनके पास से कुल 200 पेटी देसी शराब बरामद की गई है। ये देवरिया पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही में उत्तर प्रदेश बिहार की बॉर्डर पर स्थित प्रतापपुर चेक पोस्ट पर 4 लग्जरी वाहनों से उत्तर प्रदेश से बिहार में तस्करी की जा रही लगभग 200 पेटी शराब को बरामद किया गया है। इस प्रकरण में जो ये शराब बरामद हुई है उसकी बाजारों कीमत लगभग 9 लाख रुपए है, और 4 लग्जरी वाहन पुलिस द्वारा सीज किए गए हैं, और 6 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। खबर सोनभद्र से है, जहां चोरी के अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना अनपरा पुलिस द्वारा एक चोर को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशानदेही पर चोरी की 12 मोबाइल बरामद किए गए हैं, और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। आज अनपरा पुलिस के द्वारा एक सातिर मोबाइल चोर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 1 दर्जन मोबाइल, जिसमें से 8 मोबाइल कीपैड वाले और 4 एंड्रॉइड फोन बरामद किए गए हैं। ये मोबाइल विभिन्न घरों से और गाड़ियों से चोरी किया जाना बता रहा है, जिनमें से 5 मोबाइल परसों 8 तारीख को परासी के गेस्ट हाउस से चोरी गए थे, और मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और इसके साथ और कौन से भी लोग हैं इनकी भी जानकारी की जा रही है, और बाकी जो भी मोबाइल बरामद हुए हैं उनको पता लगा के जो उनके मालिक हैं उनके सुपुर्द किया जाएगा। खबर मुरादाबाद से है, जहां की मझोला पुलिस SOG टीम और सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसका मुरादाबाद SP सिटी ने खुलासा करते हुए बताया कि मझोला पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, और इनके पास से 63,000 नगद, फर्जी सिम, लैपटॉप, टेलीफोन एक्सचेंज में प्रयोग होने वाले अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बरामद हुए हैं। गैंग थाना मझोला पुलिस और SOG टीम के द्वारा पकड़ा गया है, और ये बेसिकली बाहरी जो विदेशों से कॉल की जाती हैं इंटरनेशनल कॉल, उनमें एक फर्जीवाड़ा कर रहे थे। इसमें से जो एक अभियुक्त है जिसका नाम कदीम है, ये मार्च में सऊदी अरब गया था, वहाँ इसके अपने एक अन्य साथी से वहाँ भी मिला, जो संभवतः इसका काम पहले से करता रहा होगा। खबर देवरिया से है, जहां भलुआ निवासी पति पत्नी ने अपने वैवाहिक वर्षगांठ पर वृक्षारोपण और रक्तदान कर अनोखा संदेश दिया है। ब्लड डोनर संतोष मधेशिया वैश्य और उनकी धर्मपत्नी इसरावती देवी ने वर्षगांठ के अवसर पर गायत्री मंदिर परिसर में पूरे परिवार के साथ वृक्षारोपण किया। बता दें, अभी तक सैकड़ों वृक्ष लगा चुके संतोष ने पर्यावरण की रक्षा और जल
संरक्षण के लिए सभी से अधिक वृक्ष लगाने और उनके संरक्षण की अपील की। खबर संभल से है, जहां ईद उल अजहा के पर्व पर ईदगाहों और मस्जिदों में नमाजियों ने नमाज अदा की। ईद उल अजहा की नमाज के बाद दुनिया में अमनो अमान की दुआ मांगी गई। मस्जिदों के बाहर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा, तो वहीं किसी भी ईदगाह और मस्जिदों के बाहर सड़कों पर नमाज अदा नहीं करने दी गई। सारे नमाजियों ने नमाज को ईदगाहों और मस्जिदों के अंदर ही रहकर नमाज पढ़ी। ईद से अमन का संदेश जाता है और भाईचारे का संदेश जाता है और अल्लाह की रहमत से बहुत ठीक ठाक और सही तरीके से ईद की नमाज अदा हो गई और प्रशासन ने भरपूर साथ दिया। काफ़ी शांति सुकून के साथ हमारे शहर में नमाज हुई है और आज ईद का त्यौहार है, बढ़िया त्यौहार है, सब लोग खुशी के साथ मनाए। खबर मैनपुरी से है, जहां शहर स्थित ईदगाह पर मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा कर ईद का त्यौहार एक दूसरे के गले मिलकर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस पर्व के अवसर पर पुलिस अधीक्षक मैनपुरी कमलेश दीक्षित ने भी सभी लोगों के बीच जाकर समाज के लोगों को ईद की बधाइयां दी और शांतिपूर्ण ढंग से इस पर्व को मनाने के लिए धन्यवाद दिया। तो वहीं समाज के लोगों ने भी एक दूसरे को गले मिलकर बधाइयां दी। 26 ईदगाह और 88 मस्जिद में नमाज पढ़ी गई, सकुशल संपन्न हुआ। कुर्बानी के बारे में ही बता दिया गया था कि प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी नहीं होगी, साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर नहीं होगी, तो उसका कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। ड्यूटियां सभी मुस्तैद हैं, सकुशल संपन्न हुआ और पूरे दिन ये ड्यूटियाँ रहेंगी जिससे कोई अप्रिय स्थिति न पैदा हो। खबर मैनपुरी से है, जहां के हरिदर्शन नगर में निर्माणाधीन मकान का छज्जा अचानक गिर गया जिसमें दबकर काम कर रहे मिस्त्री की मौत हो गई, तो वही एक व्यक्ति घायल हो गया है। आनंद फानन में दोनों को मैनपुरी जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां एक को मृत घोषित कर दिया गया तो वहीं एक का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। काम कर रहे, छज्जे डाल रहे थे, छज्जा डालने से प्लास्टर बोला था। अच्छा, तो टूट गया छज्जा? छज्जा टूट गया। हाँ। कितने लोग थे काम करने में? दो। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।